तो हेलो जी एंड वेलकम जी। तो भाई लोग, पिछले एपिसोड में हमने देखा कि वैंको डिफाइंट थंडर की फोर्थ फॉर्म को अचीव करके गो सेट लीडर को हरा देता है, पर दूसरी तरफ उसके अलायंस लियो और वेंशिन डार्क साइड के एक ट्रैप में फंस जाते हैं। और आप आगे तो नेक्स्ट एपिसोड की स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि लियो और वेंशिन आग में जल रही होती है और डार्क साइड का एक बंदा अपने स्नेक से पॉइजन अटैक करते हुए कहता है कि तुम डोंकियों पवेलियन वाले तो बहुत ही ज्यादा कमजोर हो, हमने एक छोटा सा ट्रैप क्या बिछाया, तुम लोग तो बड़ा इजिली फंस गए। जिस पर लियो कहता है कि डोंकियों पवेलियन मास्टर बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, अगर उन्हें हमारे बारे में पता चला तो वो तुम लोगों को छोड़ेंगे नहीं। तो मिनी कहती है कि फिक्र नहीं करो, तुम्हारे ऊपर जाते ही वो भी तुम्हारे पीछे ही आएगा क्योंकि हमारे बॉस खुद उसे मारने के लिए निकले हैं। जिस पर लियो कहता है कि आखिर तुम्हारा पोस्ट कौन है, तो मिनी कहती है कि वो नहीं मैं तुम्हें बता सकती, ऊपर जाकर खुद ही देख लेना। एंड तभी वो उन पर फाइनल अटैक करने लगती है, पर वो दोनों धुआं बनकर गायब हो जाते हैं क्योंकि वो असली वेंशिन और लियो नहीं होते बल्कि उनके क्लोन होते हैं। तो ये देखकर मिनी काफी हैरान होती है और फिर हम असली लियो और वेंशिन को देखते हैं जो दूर एक पहाड़ी पर खड़े होते हैं और लियो मिनी पर अटैक करके उसे इंजर्ड कर देता है, जिसे देखकर बाकी दोनों बंदे कहते हैं कि ये तो हम ही इनके ट्रैप में फंस गए। एंड तभी वो वहां से भागने लगती हैं, पर वेंशिन भागने नहीं देता, वो एक बंदे पर काले जादू वाली सील लगाता है जिससे एक ब्लास्ट होता है और वो इंजर्ड होकर वहीं पर ही गिर जाता है। तो फिर बचा लास्ट बंदा जो पॉइजन अटैक कर रहा था, उसे श्वान वहां आकर अपनी ग्रेविटी फॉर्मेशन में ट्रैप कर लेता है जिसकी वजह से वो जमीन के साथ चिपक जाता है और उसमें इतनी हिम्मत भी नहीं होती कि वो उठ सके। तो फिर लियो उसके पास आता है और कहता है कि बच्चे श्वान की फॉर्मेशन बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, तुम जितना ज्यादा जोर लगाते जाओगे उतनी इसकी ग्रेविटी बढ़ती जाएगी, इसलिए अच्छे बच्चे बनो और ये बताओ कि आखिर तुम लोगों का प्लान क्या है, क्या पता हम तुम्हें छोड़ दें। जिस पर वो बंदा कहता है कि अच्छा ठीक है मैं बताता हूँ, पर मुझे मारना मत। मगर तभी कोई उस पर अटैक कर देता है जिससे वो कुछ बोलने से पहले ही मर जाता है। तो ये देखकर वेंशिन और लियो काफी हैरान होते हैं और फिर हम देखते हैं कि वो अटैक किसी और ने नहीं बल्कि मिनी ने किया होता है, जो काफी ज्यादा इंजर्ड हालत में होती है और कहती है कि मास्टर से गद्दारी नहीं चलेगी। एंड ये कहकर वो खुद को भी जान से मार देती है। तो फिर लियो कहता है कि अब हम क्या करें, इन्होंने कुछ बताया नहीं मगर हमें इतना पता चल गया है कि मास्टर पेंकाओ खतरे में है। जिस पर श्वान कहता है कि करना क्या है, फौरन मास्टर पेंकाओ के पास चलो, हमें उन्हें प्रोटेक्ट करना होगा। और फिर सीन चेंज होता है तो हम पेंकाओ को देखते हैं जो लायला के साथ होता है और लायला उसे स्नोई माउंटेन के पास लेकर आती है, पर तभी कोई उन पर स्पेशल एरो से अटैक कर देता है मगर पेंकाओ ने अटैक को डोज कर लेते हैं। और फिर हम देखते हैं कि वो अटैक करने वाले बंदे स्नोई माउंटेन के गार्डियन होते हैं जो उसके एंट्रेंस को प्रोटेक्ट कर रहे होते हैं। तो उन्हें देखकर लायला कहती है कि तुम लोगों की हिम्मत कैसे हुई थंडर क्लैन के लीडर पर अटैक करने की। जिस पर इल कहती है कि चीफ हमने तुम्हें कहा था ना कि यहाँ बार बार नहीं आया करो और इस बार तो हद होगी, तुम अपने साथ ही अजनबी को ले आई। तो वेंकाओ कहता है कि सीनियर मैं यहाँ किसी को नुकसान पहुँचाने नहीं आया, मैं बस माउंटेन के बारे में क्यूरियस था इसलिए उसे देखने आया हूँ। जिस पर इल कहती है कि हमें पागल नहीं बनाओ, हमें पता है कि तुम यहाँ हमारे क्लैन के ट्रेजर के पीछे आए हो, हर 5 साल बाद यहाँ का गेट ओपन होता है तो तुम जैसे लालची लोग उस ट्रेजर को चोरी करने के लिए आते हो और हमें तुम लोगों से लड़ना पड़ता है। देखो मैं तुम्हें बता दूं, हम थंडर चीफ की तरह पागल बिल्कुल भी नहीं है जो रास्ते में चलते किसी भी अजनबी पर ट्रस्ट कर ले, इसलिए आखिरी वार्निंग दे रही हूँ, चुपचाप यहाँ से चले जाओ वरना मारे जाओगे। तो लायला कहती है कि तेरी इतनी हिम्मत, तूने मुझे पागल कहा, तू पागल, तेरा खानदान पागल, तेरा पूरा क्लैन पागल। तो ये सुनकर इल्लो और हिल शॉक हो जाते हैं और एक दूसरे की तरफ देखते हुए कहते हैं कि ये तो सच में पागल है। जिस पर लायला अपनी थंडर पावर से एक पोल बनाकर उन पर अटैक करती है और कहती है कि लो फिर अब इस पागल के अटैक को संभालो। तो इल्लो उसके अटैक को डोज करने के बजाय पकड़ लेती है और अपनी पावर से और बड़ा करके उनकी तरफ ही शूट कर देती है, मगर वेंकाओ भी उसे डोज करने के बजाय अपने हाथों से उसे कंट्रोल कर लेते हैं और दूसरी तरफ फेंक देता है, जिसे देखकर गोल्डन ड्रैगन काफी ज्यादा इंप्रेस होते हैं और कहता है कि मामू ये तूने कैसे किया। तो फिर इल भी कहती है कि बहुत अच्छे, तुम कोई ऑर्डिनरी इंसान नहीं बल्कि काफी स्किलफुल लगते हो। एंड तभी वो दोबारा एरो से अटैक करने लगती है, जिस पर लायला भी ब्लैक विडो की तरह फाइटिंग पोज लेते हुए अपने थंडर बोल से अटैक करने के लिए तैयार हो जाती है। पर तभी आसमान का कलर चेंज हो जाता है क्योंकि अभी भी वेंकाओ का ब्रेक थ्रू चल रहा होता है। एंड जब लाइटिंग स्ट्राइक पड़ती है तो वेंकाओ खुद को लायला को एक शील्ड बनाकर प्रोटेक्ट कर लेते हैं और सेफ जगह ढूंढने के लिए वहां से चला जाता है। दूसरी तरफ हम एक गुफा का सीन देखते हैं जहां किन काफी ज्यादा स्पेशल हर्ब्स खाकर खुद को रिकवर कर रहा होता है क्योंकि पेंकाओ ने सोल स्नैचिंग स्किल का यूज करके उसके बाजू को तोड़ दिया था, मगर वो अभी भी रिकवर नहीं होता है। एंड तभी गुफा में 2 लोग रेस्ट करने के लिए आते हैं, पर किन छुप जाते हैं और उनके आते ही वो एक पर अटैक करके उसे जान से मार देते हैं और दूसरे से कहता है कि बता तेरे साथ क्या किया जाए। जिस पर वो रोने और गिड़गिड़ाने लग जाता है कि प्लीज मुझे मत मारो, अगर तुम मुझे छोड़ दो तो मैं तुम्हें एक इन्फॉर्मेशन दूंगा। तो किन कहता है कि क्या इन्फॉर्मेशन है जल्दी बोलो। जिस पर वो बंदा कहता है कि स्नोई माउंटेन में बहुत बड़ा ट्रेजर छुपा हुआ है, मैंने
केव के सभी लोगों को उसी तरफ जाते हुए देखा है। तो किन कहता है कि अच्छा ऐसा है क्या? तो वो बंदा कहता है कि हाँ एंड पोत शुक्रिया कि तुमने मुझे छोड़ दिया। पर किन उसे गले से पकड़ते हुए कहता है कि मैंने कब कहा कि मैं इन्फॉर्मेशन के बदले तुम्हें छोड़ दूंगा? तुम दोनों की सोल तो मेरे बाजू की सोल को रिकवर करने में काम आएगी। एंड तभी वो उसे भी जान से मार देता है। फिर सीन शिफ्ट होता है तो हम स्नोई माउंटेन के ऊपर विंड क्लैन का सीन देखते हैं जहाँ काफी सारे बच्चे हवा में खेल रही होती है। एक कोल्डमैन को देखते हैं जो आसमान में ठंडर वाले बादलों को देखता है तो वो कहता है कि बच्चों जल्दी से घर में वापस आ जाओ। तो वो सभी घर के अंदर चले जाते हैं और फिर ओल्डमैन कहता है कि फाइनली 20 सालों बाद वो घर ही आ ही गई जिसका मुझे इंतजार था। जिसका भी आज ब्रेक थ्रू है उसकी किस्मत बहुत खराब है। और फिर वो एक बंदे को बुलाता है और कहता है कि अपने सभी लोगों को इकट्ठा करो, अब टाइम आ गया है कि हम दुनिया को अपनी पावर दिखाएं। दूसरी तरफ हम ताई को देखते हैं जो अपने एंशिएंट फैन का यूज करके कुछ देख रहा होता है। तो रेंजो कहती है कि ताई आखिर ये तुम क्या कर रहे हो, मेरे साथ बातें क्यों नहीं कर रहे? जिस पर ताई कहता है कि अरे रुको, मैं फेंखाओ की कुंडली चेक कर रहा हूँ और यहाँ दिख रहा है कि उस पर बहुत बड़ा खतरा आने वाला है। भाई लोग कुछ समझे क्या? इनका भी सीन चालू हो रहा है। रूल नंबर 1 ऑफ लव, पहले दुश्मनी। आ जानी थी। और फिर सीन अगेन चेंज होता है तो हम यो को देखती हैं जिसे एक बंदा लूटने के लिए आता है मगर वो उसे इतना मारती है और कहती है कि अब मैं तुम्हें लूटूंगी, जल्दी से तुम्हारे पास जो कुछ भी है वो मुझे दे दो। तो वो बंदा कहता है कि जी जी और अपना सब कुछ निकाल कर यो को देने लग जाता है। जिस पर मुयंग कहती है कि वो तुम्हें लूटने आया था मगर अब तुम उसे क्यों लूट रही हो? तो यो कहती है कि इसकी हिम्मत कैसे हुई मुझे लूटने की, ये इसकी सजा है। देखा भाई लोग गलत लोगों के साथ रहने का असर, पहले सिर्फ ताई और पंखा ही चोर थे मगर अब यो भी हो गई है। तो फिर वो बंदा वहां से भागने लगता है तो लियू उसे जान से मारने लगती है मगर यो उसे रोक लेती है और कहती है कि छोड़ दो उसे। तो लियू कहती है कि ठीक है। और फिर तभी ताई और रेंजो वहां आती है जिन्हें देखकर यो काफी खुश होती है और कहती है कि क्या खो तुम लोगों के साथ है? तो वो कहती हैं कि नहीं, जिस पर यो दोबारा सेट हो जाती है। तो फिर ताई कहता है कि तुम लोगों को जल्दी मेरे साथ चलना होगा, पंखों की जान खतरे में है। तो ये सुनकर मुयंग और यो काफी हैरान होती है एंड ये एपिसोड यहीं पर ही खत्म हो जाता है। तो पहले को उम्मीद है कि तुम लोगों को एपिसोड पसंद आया होगा, इसलिए प्लीज चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना। अच्छा मैं चलता हूँ, मिलते हैं एक न्यू वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय टूरूरू।